वहीं निगम भिलाई की जोन टू टीम द्वारा हाउसिंग बोर्ड भिलाई इलाके में रोड की चौड़ाई नापी गई और रोड के किनारे व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों के अवैध अतिरिक्त निर्माण को हटाने के लिए मार्किंग की गई। हाउसिंग बोर्ड भिलाई के कालीबाड़ी चौक से लेकर भगवा चौक तक मुख्य सड़क के किनारे अतिरिक्त निर्माण करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया है और सड़क की चौड़ाई नापकर निशान लगाया गया। इस निशान की जद में आने वाले सभी अवैध कब्जों को निगम भिलाई के जोन दो कार्यालय की टीम ने ढहाने का नोटिस निर्माणकर्ताओं को थमाया है, परंतु इस रोड पर व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों द्वारा निगम की टीम को पूरा सहयोग देते हुए दो दिन की मोहलत मांगी गई है, जिसमें वह अपने अवैध अतिरिक्त निर्माण को स्वयं ही हटा लेंगे। मौके पर हो रही कार्रवाई के दौरान जोन दो की आयुक्त पूजा पिल्ले भी मौजूद रहे और उन्होंने भी व्यवसायियों से अपने अपने दुकानों के दस्तावेजों की पुष्टि कराने निर्देश दिए। तत्पश्चात अवैध निर्माण पाए जाने पर उस निर्माण को स्वतः हटा लेने की बातें कही गई, अन्यथा दो दिवस पश्चात इन अवैध निर्माणों को निगम की टीम द्वारा ध्वस्त कर दिया जाएगा। इसकी जानकारी जोन दो की आयुक्त पूजा पिल्ले ने न्यूज टीम को दी है। तो मैडम अभी फिर सिर्फ समझाइश दी जा रही है और लोगों का सहयोग प्राप्त हो रहा है और लोगों के द्वारा स्वयं कहा जा रहा है कि हम अपने जो है अपने लेवल पे इसको हटवा लेंगे, अभी जो नहीं हटाएगा उसको कार्रवाई। तो लगभग कितने दिन का समय दिया जा रहा है? दो दिन का। निगम भिलाई द्वारा लगातार अवैध निर्माण, अवैध कब्जे एवं अवैध प्लाटिंग के खिलाफ सख्ती से और निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसके फलस्वरूप भिलाई की तस्वीर कुछ अलग नजर आने लगी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।